जिस तरह से ईटीवी पर बिखराव की, और पता नहीं मैं तो प्रशासन से भी मैंने अनुरोध किया कि सामराज में कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं बन रखा है जिसकी सुरक्षा कर ली जा रही है। सामराज में राष्ट्रपति के उम्मीदवार कोई से भी यहाँ पर नहीं आने वाले हैं जिनकी सुरक्षा के लिए इस तरह से सामराज को सामराज के भरोसे छोड़ दिया जाए। सामराज को इस तरह से छावनी बनाने का कोई कारण नहीं बनता है, और इसके लिए और प्रशासन ने उसको उसकी संवेदनशीलता समझी है, हमारी बात को तवज्जो दी है, और काफ़ी कुछ पर मुद्दे की बात जो 5 मांगे 7 मांगे 8 मांगे और उसमें ये जो अभी भी बच्चों के खिलाफ में जो कार्रवाई हो रही है, हम चाह रहे हैं कि उन कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। नहीं बताते हैं कि हम कोर्ट के मार्फत से आज उनका परिवार कोर्ट के माध्यम से उस बात को आगे ले चलना। मेरे ख्याल से अगर वकील लोग होशियार समझदार होते तो 12-14 दिन बहुत टाइम होता है जिसमें ये काम सीबीआई को ऑर्डर कोर्ट कर चुका होता, पर पता नहीं कहाँ से कमजोरी है, क्योंकि परिवार वालों के तो बहुत बड़ा संकट आ रखा था, तो उनसे बहुत कुछ। और सामाजिक संगठन जब से लगे हैं तब से ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी वो गए हैं, और सारी की सारी, पर इस तरह से प्रायोजित करके उस बिखराव को दिखाना, और गिरिराज सिंह लोटवाड़ा को, लोकेंद्र सिंह कालवी को ही दलाल घोषित कर देना, मैं तो समझता हूँ ये अगर हम दलाल हैं तो एक बार और दलाली करने के लिए 12 तारीख को इकट्ठा